हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिनेश साइंस सॉल्यूशन, दैट इज़ DS2। स्टूडेंट, हमने कल एक चैप्टर देखा था क्लास 12 का, जिसका नाम था हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन और अरिन्स। उसको हम हेलो अल्केन और हेलो अरिन्स भी बोलते हैं। तो उसमें हमने कल क्या देखा था, व्हाट इज़ बाय हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, उसके क्लासिफिकेशन देखे थे। लेकिन क्लासिफिकेशन में क्या क्या देखा था, जैसे कि हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन जो होते हैं उसके क्लासिफिकेशन के टाइप्स होते हैं, कैसे होते हैं, एक मोनो और एक पॉली, पॉली के और भी तीन टाइप, डाई ट्राई टेट्रा। तो हमें आज डिस्कशन करना है अल्किल ग्रुप पे, अल्किल हैलाइड्स पे आज हमें डिस्कशन करना है, अल्किल ग्रुप पे नहीं है। तो देखो अल्किल हैलाइड्स क्या होता है वो देखना है, अल्किल हैलाइड्स पे डिस्कशन करना है। व्हाट इज बाय अल्किल हैलाइड्स, अल्किल हैलाइड किसी को पता है? ओके, अल्किल हैलाइड किसी को पता है? नहीं होगा तो अच्छी बात है, होगा तो अच्छी बात है। तो देखो हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन को जब अल्किल हैलाइड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है बेटा कि कोई अल्केन जो होता है, अल्केन में से क्या करता है, एक हाइड्रोजन आइटम कौन करता है, एक हैलोजन निकालता है, उसे जहाँ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन बोलते हैं। ओके, समझ में आया? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन का मतलब क्या कि कोई अल्केन है, समझो अल्केन है, अल्केन में से क्या कर रहा हो, हाइड्रोजन एटम को निकाल रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो मोनो हैलोजन, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन is known as alkyl halides. Mono halogen derivative of alkane is known as alkyl halides. Alkyl halide क्या होता है बेटा? सबसे पहले क्या होता है कि अल्केन में से कोई भी हाइड्रोजन आइटम को कौन निकालता है? हाइड्रोजन आइटम, इनको जो हम क्या बोलते हैं, अल्किल हैलाइड्स। ओके, उसके बाद में देखो सबसे पहले अल्केन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्केन इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय आर बॉन्ड एच, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्केन, अल्केन क्या बोलते हैं इसको, अल्केन। उसके बाद में हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को क्या करना है, निकालना है और हैलोजन एटम को चिपका देना है, उसी को क्या बोलते हैं, हैलोजन अल्किल हैलाइड्स, क्या बोलते हैं, अल्किल हैलाइड्स। ये हैलोजन, ये अल्किल है, देखो यहाँ पे क्या करना है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये निकल जाएगा, वहाँ पे हैलोजन आ जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, अल्किल, क्या बोलते हैं, अल्किल हैलाइड्स, क्या बोलते हैं, अल्किल हैलाइड्स। अल्किल हैलाइड्स समझ में आया कि अल्केन में से कोई भी हाइड्रोजन आइटम, मीन्स अल्केन में से एक हाइड्रोजन आइटम को निकालता है, एक हाइड्रोजन आइटम को कौन निकाल रहा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अल्किल हैलाइड्स। देखो इसके बाद में पॉइंट नंबर टू देखेंगे, द रिमूविंग वन हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम एनी अल्केन, एनी अल्केन बाय करस्पॉन्डिंग, बाय करस्पॉन्डिंग हेलोजन एटम, बाय करस्पॉन्डिंग हेलोजन एटम्स, बाय करस्पॉन्डिंग हेलोजन एटम्स। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या करता है, बाय करस्पॉन्डिंग क्या करता है कि कोई अल्केन में से, द रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन, बाय करस्पॉन्डिंग अल्केन में से क्या करता है, अल्केन में से हाइड्रोजन एटम को कौन निकालता है, एक हाइड्रोजन आइटम को कौन निकालेगा, उसी को हम बोलते हैं अल्किल हैलाइड्स। अल्किल हैलाइड्स इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अल्किल हैलाइड्स, अल्किल हैलाइड जनरली रिप्रेजेंटेड बाय आर बॉन्ड एक्स, अल्किल हैलाइड कैसे रिप्रेजेंटेड करते हैं, आर बॉन्ड एक्स से, अल्किल हैलाइड जनरली रिप्रेजेंटेड कैसे रिप्रेजेंटेड करते हैं, आर बॉन्ड एक्स से करते हैं, आर बॉन्ड एक्स से करते हैं। तो हमें क्या करना है, अल्किल हैलाइड जनरली रिप्रेजेंटेड बाय
R बॉन्ड X से अल्किल हैलाइड रिप्रेजेंटेड करते हैं। उसके बाद में R का मतलब क्या होता है, अल्किल ग्रुप, अल्किल ग्रुप होता है। उसके बाद में X का मतलब होता है हैलाइड्स। हैलाइड्स के तीन एग्जांपल है जैसे कि क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड्स। देखो हैलाइड जो होते हैं इसके तीन एग्जांपल होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स। उसके बाद में अल्किल हैलोजन डेरिवेट, जैसे कि अल्किल हैलाइड देख रहे हैं, हैलोजन डेरिवेटिव अल्केन में का टॉपिक हम देख रहे हैं, तो अल्किल ग्रुप जो होता है एक्स से रिप्रेजेंट करता है। उसके तीन एग्जांपल है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स। उसके बाद में हमें नेक्स्ट जो डिस्कशन करना है उसका जनरल मॉलिकुलर फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या होता है अल्केन का, अल्केन का क्या होता है, CnH2n+1, उसमें से एक हाइड्रोजन एटम निकालना तो और फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे चिपका देना, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, जनरल फार्मूला ऑफ अल्किल हैलाइड्स। तो देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आएगा CnH2n+1X, ओके। और उसके एग्जांपल आएंगे, और देखो एग्जांपल आएंगे कौन से, CH3Cl। तो बेटा देखो सबसे पहले एक कार्बन वाले को नाम क्या करते हैं हम, मिथ, क्या नाम लिखते हैं यहाँ पे, मिथ, ओके, मिथ बोलते। क्यों बोलते बेटा, क्योंकि इसका जो एक हाइड्रोजन है, इसका जो हाइड्रोजन किसने खा लिया, हैलोजन ने खा लिया, तो क्या लगा बेटा, YL लगा, ओके। और तो और Cl का नेम लिखो क्लोराइड, उसके बाद में CH3CH2Cl, इसका नाम लिखो बेटा इथाइल क्लोराइड्स, इसका नाम आएगा इथाइल क्लोराइड्स। तो बेटा हमने अल्किल हैलाइड अभी तक जो पढ़े वो पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। इसको क्या करो, पूरी तरह से स्क्रीनशॉट निकालो, दोस्तों के साथ में शेयर करो, उसके बाद में और उनको हमारा क्लास से ज्वाइन करने के लिए लगाओ। जैसे कि मोनो हैलोजन डेरिवेटिव अल्केन के बारे में हमने अभी पढ़ा, उसको क्या बोलते हैं हम, अल्किल हैलाइड्स बोलते हैं। उसके बाद में हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है, क्या पे डिस्कशन करना है बेटा, कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड के क्लासिफिकेशन पे हमें डिस्कशन करना है थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे पूरा ही, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स, ओके, क्लासिफिकेशन, अगर क्लासिफिकेशन अगर हमने देखे तो इसके टाइप्स आते हैं, एक है प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स, उसके बाद में वन डिग्री भी बोल सकते हो, वन डिग्री अल्किल हैलाइड्स भी बोल सकते हो तुम इसे। उसके बाद में सेकंड जो है, फर्स्ट जो है सेकंड रहे, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, और थर्ड वन जो है टर्शरी अल्किल हैलाइड्स, क्या बोलते हैं इसको, टर्शरी अल्किल हैलाइड्स, टर्शरी अल्किल हैलाइड्स। इसे टू डिग्री अल्किल हैलाइड्स बोल सकते हो और इसे थ्री डिग्री अल्किल हैलाइड्स बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा अभी तक हमने जो पढ़ा है प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड्स और टर्शियरी अल्किल हैलाइड, इनका क्लासिफिकेशन है। लेकिन प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स होते क्या है, कैसे रहते हैं, कैसे दिखते हैं, उसका डिस्कशन हमें करना है। देखो ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स के बारे में डिस्कशन करना है। प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स क्या होता है बेटा, देखो ये जो हैलोजन होते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, द अल्किल हैलाइड इन विच हैलोजन एटम अटैच टू द प्राइमरी कार्बन, हैलोजन एटम क्या रहता है कि प्राइमरी कार्बन को अटैच रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स। प्राइमरी अल्किल हैलाइड देखो कैसा होता है, देखो द अल्किल हैलाइड इन विच द अल्किल हैलाइड्स इन विच द अल्किल हैलाइड इन विच हैलोजन एटम अटैच्ड हैलोजन एटम क्या करता है, अटैच
हेलोजन आइटम क्या करता है, यहाँ पे लिखेंगे, चलो अटैच प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम को क्या करते हैं, ये हेलोजन एटम क्या करते हैं, अटैच होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अल्किल हैलाइड इन विच हेलोजन आइटम अटैच टू द प्राइमरी कार्बन आइटम, द अल्किल हैलाइड इन विच हेलोजन आइटम अटैच टू द प्राइमरी कार्बन आइटम इज नोन एज प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स, लेकिन इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें एग्जाम्पल क्या है इसका, देखो CH3, CH2, CH3 और यहाँ पे हेलोजन की जगह पे जैसे कि हैलाइड जो है यहाँ पे मैं Cl लगा देता हूँ, ये देखो ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, वन डिग्री कार्बन है, ये टू डिग्री कार्बन है, ये जो हेलोजन एटम होता है बेटा ये प्राइमरी कार्बन को अटैच है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, यन, तीन वाले का नाम क्या बेटा, प्रोपेन है, तो उसमें क्या कहना, प्रो, यहाँ पे क्या निकाला बेटा, एक हेलोजन ने एक हाइड्रोजन एटम को निकाले तो क्या लिखाना, YL, और CL का नाम क्लोराइड्स, एन प्रोपिल क्लोराइड्स, ये नाम बन गया बेटा, बहुत आसान, समझ में आया, ओके कंटिन्यू, और नेक्स्ट लेक्चर जो हमें देखना है, नेक्स्ट जो एग्जांपल इसका देखना है उसका एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, देखो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ मैं, देखो CH2, 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 Cl, तो नाम क्या है बेटा इसका, यन प्रोपाइल नहीं ब्यूटाइल एन ब्यूटाइल क्लोराइड, क्या हो रहा है, ये जो हेलोजन आइटम है ये प्राइमरी कार्बन को अटैच है, समझ में आया सबको, ओके सबको अच्छी तरह से दिख रहा है, ओके ये यहाँ तक हमें समझ में आया, लेकिन अभी हमें सीखना है सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड क्या होता है, अगर प्राइमरी समझ में आया तो सेकेंडरी डेफिनेटली समझ में आएगा, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, द अल्किल हैलाइड इन विच हेलोजन आइटम अटैच, अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन एटम, ये क्या होता है हेलोजन आइटम, क्या होता है सेकेंडरी, देखो द अल्किल हैलाइड इन विच हेलोजन आइटम अटैच टू द सेकेंडरी कार्बन आइटम, सेकेंडरी कार्बन आइटम को क्या रहेगा, अटैच रहेगा, सेकेंडरी कार्बन को अटैच कैसे रहेगा बेटा, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा डिस्कशन इसका एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको सेकेंडरी अल्किल हैलाइड का, देखो ये CH3 है, ये CH2 है, देखो लेकिन ये यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये CH3 बनेगा, और ये हेलोजन है जैसे कि क्लोराइड ब्रोमाइड लो, ये सेकंड कार्बन, ये वन डिग्री कार्बन है, ये टू डिग्री कार्बन है, टू डिग्री कार्बन को एक BR हेलोजन ग्रुप अटैच है, इसीलिए इसका नाम सेकेंडरी 1, 2, 3 ब्रोमाइड सेकेंडरी प्रोपिल ब्रोमाइड्स, ये उसका नाम है, समझ में आया, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे कि बेटा सेकेंडरी कार्बन कैसे बचना, बहुत आसान है, देखो एक कार्बन ने दो कार्बन के साथ में बॉन्डिंग की वाली है, ये हाइड्रोजन जो है ऊपर है इसीलिए इसको सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं, देखो सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, जैसे कि एक कार्बन ने तीन कार्बन के साथ में बॉन्ड किया तो उसको क्या बोलना, प्राइमरी कार्बन एटम, अगर एक कार्बन ने दो कार्बन के साथ में बॉन्ड किए तो उसको क्या बोलना, सेकेंडरी कार्बन, अगर एक कार्बन ने, देखो बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे दो तीन कार्बन के साथ में बॉन्ड किए तो उसे क्या बोलना, टर्शियरी कार्बन आइटम, अगर एक कार्बन ने तीन कार्बन के साथ में बॉन्ड किया तो उसे टर्शियरी कार्बन आइटम बोलना, उसका एग्जाम्पल हमें इसके बाद में सीखना है, तो इसका नाम क्या आएगा बेटा, सबसे पहले BR, तो नाम क्या आएगा इसका, एन प्रोपिल ब्रोमाइड्स, मैं थोड़ा सा चेंज करके एग्जाम्पल देता हूँ, और देखो एग्जाम्पल देता हूँ मैं सेकेंडरी कार्बन का, ये देखो भली बड़ी चैन रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे BR लिखता हूँ मैं, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन को क्या अटैच है, लेकिन ये हेलोजन जो बेटा नीचे अटैच है, देखो ये हाइड्रोजन नीचे अटैच है, तो इसका नाम क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंडरी लिखना बेटा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड कार्बन के BR अटैच है,
सेकेंडरी एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, सेकेंडरी पाँच का नाम क्या है? पेंटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। उसके बाद में हमें डिस्कशन करना है कि टर्शरी अल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं, प्राइमरी उसके बाद में टर्शरी अल्किल हैलाइड्स। टर्शरी अल्किल हैलाइड्स के बारे में हमें 3D कार्बन के बारे में हमें सीखना है। टर्शरी अल्किल हैलाइड्स, 3D अल्किल हैलाइड्स भी बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। उसके बाद में हमें द अल्किल हैलाइड इन विच, देखो डेफिनेशन मुझे यहीं पर लिखना है, टर्शरी अल्किल हैलाइड, द अल्किल हैलाइड इन विच हाइड्रोजन एटम अटैच टू द टर्शरी कार्बन एटम, टर्शरी कार्बन एटम इज नोन एज। देखो बेटा अभी देखो यहाँ पे ये जो हाइलोजन एटम है ये टर्शरी कार्बन को अटैच है। कैसे अटैच है? देखो ये कार्बन है, ये कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ में बॉन्ड कर लिए, बॉन्ड करने के बाद में सी एल अटैच है, बिल्कुल सिंपल। इसी को हम टर्शरी का टर्शरी अल्किल हैलाइड्स बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करो, CH3 चिपका दो, H3 चिपका दो, यहाँ पे H3 चिपका दो, यहाँ पे H3 चिपका दो, उसके बाद में इसी को बोलते हैं हम टर्शरी, एक दो तीन चार, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड्स। ओके समझ में आया बेटा? एक कार्बन ने कितने कार्बन के साथ में बॉन्ड किया? तीन, एक दो और तीन, मैंने एक हाइलोजन के साथ में किया। हाइलोजन तुम यहाँ पे BR भी ले सकते हो, कौन सा भी ले सकते हो, कोई उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके अभी तक जो हमने क्लासिफिकेशन देखे, किसके क्लासिफिकेशन देखे बेटा? हमने अल्किल हैलाइड्स के देखे क्लासिफिकेशन, वो समझ में आया आपको? क्लासिफिकेशन में तीन टाइप्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, वो हमने देख लिए। उसके बाद में हमें क्या करना है, और भी एक एग्जाम्पल देखना है, उसका नाम क्या है देखो। और दूसरा जो एग्जाम्पल हमें देखना है नोमेनक्लेचर्स में, हमें ये देखना है, नोमेनक्लेचर्स देखना है, नोमेनक्लेचर्स ऑफ अल्किल हैलाइड्स, हैलोजन डेरिवेटिव अल्किल बोल सकते हैं, अल्किल हैलाइड्स में नोमेनक्लेचर्स ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्किल। नोमेनक्लेचर में, नोमेनक्लेचर, ओके नोमेनक्लेचर में दो टाइप्स होते हैं, एक है कॉमन नेम और दूसरा जो है आयुपैक्स नेम। आयुपैक्स नेम जो है हमें कल देखना है, लेकिन हम कॉमन नेम पे सबसे पहले फोकस करेंगे और ये देख लेंगे कॉमन नेम क्या होता है बेटा, वो हम देखेंगे। कॉमन नेम में, कॉमन नेम जो है वो हम आज देखेंगे। कॉमन नेम में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है, कॉमन नेम। अभी कॉमन नेम जो होता है वो देखेंगे हम। देखो पहला कॉमन नेम जो है हमारा CH3Cl, इसका नाम होता है, देखो इसका नाम देने का तरीका बोलता हूँ मैं बेटा, नाम देने का तरीका क्या होता है कॉमन नेम का, वो आज हमें देखना है। बिल्कुल उस तरह से हम इसे देखेंगे। देखो एक कार्बन है इसीलिए इसका नाम लिखेंगे हम मिथ, क्या नाम है? मिथ। और ये कार्बन इसलिए मिथ, लेकिन यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, जैसे कि CH3Cl तो इसका नाम देने का तरीका है कॉमन नेम में बहुत आसान है। तो देखो एक कार्बन है इसीलिए क्या लिखो यहाँ पे मिथ, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम ने क्या, एक हाइड्रोजन एटम को निकाल लिया तो क्या लिखो YL, मिथाइल। मीन्स ये अल्किल ग्रुप बनता है बेटा, इसका मतलब ऐसा है कि अल्किल ग्रुप बनता है, तो मिथाइल क्लोराइड निकाल लिया, एक नाम बन गया। उसके बाद में CH3CH2Cl तो नाम क्या बनेगा इसका, इथाइल। क्या क्यों बना बेटा इथाइल इसका? क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एटम यहाँ पे, हाइड्रोजन एटम को किसने निकाला? हाइड्रोजन ने, तो क्या लगा YL, तो Cl का नाम क्या, क्लोराइड। ओके तो इसका और एक भी एग्जांपल और भी बताता हूँ मैं, CH3CH2Br क्या नाम आएगा इसका, क्या नाम आएगा, क्या नाम आएगा उसका? एग्जाम्पल देना है CH3CH2, इसका नाम होता है इथाइल ब्रोमाइड्स, इथाइल ब्रोमाइड्स, इथाइल ब्रोमाइड्स होता है CH3CH2Br, इसका नाम क्या है, इथाइल ब्रोमाइड्स, क्योंकि एक दो कार्बन वाले का नाम क्या इथाइल और Br का नाम क्या ब्रोमाइड्स। तो बेटा हमें क्या करना है, और भी थोड़े से एग्जाम्पल देखना है, थोड़े से एग्जाम्पल कौन से देखना है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, देखो CH2CH3CH2Cl
Cl। देखो यहीं पे हम Cl लेंगे तो नाम देखो, एक दो तीन, इसका नाम होगा N प्रोपाइल। N प्रोपाइल क्यों आया बेटा, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन एटम पीस निकाला हेलोजन ने, तो इसलिए N प्रोपाइल लिख दिया और Cl का नाम क्लोराइड लिख दिया। ये N कैसे आया बेटा समझ में आया कि आपको, ये देखो N कैसे आया समझ में आया कि ये जो हाइड्रोजन एटम है ये प्राइमरी कार्बन को अटैच है, ये सेकेंडरी कार्बन है, इसीलिए इसका नाम N प्रोपाइल क्लोराइड लिखा। और एग्जाम्पल के तौर पर और मैं देता हूँ आपको CH3, CH2, CH2, Cl, CH2, Br, तो नाम क्या आएगा, N प्रोपाइल, एक दो तीन चार, चार का नाम क्या है ब्यूटाइल, Br का नाम क्या ब्रोमाइड्स, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड्स। ओके, उसके बाद में हमें क्या करना है, थोड़े से और भी डिफिकल्टी एग्जाम्पल हमें देखना है। वो डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है बेटा, बहुत आसान एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल हमें आज देखना है। देखो एक बार रब कर देता हूँ पूरा बोर्ड। हमने क्या देखा अभी, देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे कि ये वाला कंपाउंड है CH3 वाला, ये CH2, यहाँ पे Cl अटैच है, यहाँ पे CH2 अटैच है और यहाँ पे CH3 है, तो इसका नाम कैसे दोगे तुम। इसका नाम बहुत आसान तरीका है देने का, ये Cl जो है सेकंड कार्बन को अटैच है इसलिए सेकंड लिखो, सेकेंडरी लिखो। ओके, एक दो तीन चार, चार का नाम क्या है ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड्स, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड्स, एक दो तीन चार। ओके, सेकेंड कार्बन को अटैच है, सिंपल। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत आसान है, तुम भी दे सकते हो, CH3, Br, CH, CH3। ओके, इसका नाम कैसे दोगे, एक दो तीन चार, सेकेंड कार्बन को अटैच है सेकेंडरी, एक नहीं एग्जाम्पल से Cl लो, चलो यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड्स, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड्स। उसके बाद में हमें अभी तक ये देख लिए, पूरा देख लिए पूरा वाला, अभी यहाँ पे हमें थोड़े से चेंज करना है। अभी थोड़ा वाला क्या चेंज करना है, टर्शरी वाला एग्जांपल देखना, जैसे कि N वाला देखा, सेकंड वाला देखा, अभी टर्शरी वाला देखेंगे। टर्शरी वाला देखने में बहुत ही आसान है, आसान बात ऐसी है कि हमें क्या करना है, सिंपल सा, ये देखो ये कार्बन लेने का है, ये कार्बन को क्या करने का है, एक CH3 जोड़ने का है, यहाँ पे CH3 लगा देने का है, यहाँ पे CH3 लगा देने का है और यहाँ पे Br लगा देने का है। एक कार्बन को चार का, तीन कार्बन से अटैच है, एक दो तीन चार, एक कार्बन को कितने कार्बन अटैच है, एक दो तीन, इसीलिए टर्शरी, एक दो तीन चार, इसका नाम क्या है ब्यूटाइल और Br का नाम क्या है ब्रोमाइड्स। ओके, समझ में आया, बहुत आसान तरीके से मैंने अभी तक पढ़ाया है, वो समझ में आया होगा, CH3, 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 Br। ओके, नेक्स्ट जो है हमें देखना है उसका एग्जांपल देखेंगे बेटा, ये वाला टर्शरी वाला, लेकिन हमें क्या करना है, ऐसे कुछ एग्जांपल है वो एग्जांपल हमें कॉमन नेम में देखना है। कॉमन नेम में जो एग्जांपल है CH3, इसका नाम कैसे दोगे बेटा तुम, सिंपल सा, नाम देने का एक तरीका होता है, वो तरीका तुम फॉलो करो और नाम दोगे। तो बेटा देखो, अगर हमें हमारा जो कार्बन जीओसी का लेक्चर था 11th क्लास का, उसमें हमने देखा था कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन जो होते, कार्बन के दो चेन्स होते, एक स्ट्रेट चेन एक ब्रांच चेन। ओके, स्ट्रेट चेन में क्या करता है, एल्केन कंटिन्यू चेन फॉर्म करता है, लेकिन ब्रांच चेन में दो चेन फॉर्म करता है, एक आइसो और एक नियो। आइसो का मतलब क्या होता है बेटा और नियो का मतलब क्या होता है, अगर सेकंड लास्ट कार्बन को एक CH3 ग्रुप अटैच रहा तो उसे क्या बोलते हैं, हम आइसो। यहाँ पे भी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड लास्ट कार्बन को एक CH3 ग्रुप अटैच है, इसलिए आइसो लिया, एक दो तीन चार, इसका नाम क्या है ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड्स, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड्स। समझ में आया क्या, एक दो तीन चार, ये सेकंड लास्ट कार्बन को क्या है, एक CH3 ग्रुप अटैच है, इसीलिए मैंने क्या लिया, आइसो लिया। उसके बाद में लिख लो बेटा, लिख लो, अगर सेकंड लास्ट कार्बन को एक CH3 ग्रुप अटैच है तो क्या लो, आइसो लो, क्या लो,
ऐसो बेटा एक नोट्स बनाते चलो नोट्स। उसके बाद में अगर नेक्स्ट इसका एग्जांपल दिया, थोड़ा सा चेंज करके देता हूँ, चलो चलो इसका नाम दो। अभी इसका नाम देने का तरीका वही है, कोई चेंजेस नहीं मैंने किए वाले हैं। तो यहाँ पे हेलोजन लेना पड़ेगा बेटा एक, ओके। सेकंड लास्ट कार्बन को कौन सा क्या अटैच है, एक सी एस थ्री है, तो क्या लो आइसो, क्या लेंगे आइसो, एक दो तीन चार पाँच छ आइसो हेक्साइल, आइसो हेक्साइल क्लोराइड, ये इसका एक एग्जांपल है, आइसो हेक्साइल क्लोराइड ये इसके कॉमन नेम के एग्जांपल है। बेटा हमने आज तक ये आइसो के देखे, उसके बाद में हमें थोड़े से एग्जांपल है नियो केस देखने हैं। नियो के भी बहुत आसान है, ये अगर आपको दिखता होगा तो एक बार लिख ले। तो चले तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं साइड में हो जाता हूँ, ओके। उसके बाद में हमें क्या करना है, अगर सेकंड लास्ट कार्बन को दो सी एस थ्री ग्रुप अटैच है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नीवो सी एस थ्री, ये सेकंड लास्ट कार्बन है बेटा। तो यहाँ पे मैं एक सी एस थ्री अटैच करता हूँ, ये नीचे एक सी एस थ्री अटैच करता हूँ, आगे एक सी एस थ्री अटैच करता हूँ, उसके आगे हेलोजन लगा देता हूँ। तो इसका नाम क्या लिखूंगा बेटा, सिंपल, ये सेकंड लास्ट कार्बन है, दो ग्रुप सी एस थ्री ग्रुप अटैच है, तो क्या लिया आइसो। उसके बाद में क्या लिया बेटा मैंने आइसो, एक दो तीन चार पाँच छ आइसो हेक्सेन, सॉरी नियो, क्योंकि यहाँ पे दो सी एस थ्री, नियो हेक्सेन है, हेक्सेन का क्या निकालोगे बेटा वाईएल, ए नहीं निकालोगे, वाईएल निकालेंगे और सीएल का नाम क्या लेंगे, क्लोराइड्स, ओके, नियो हेक्सेन क्लोराइड्स। उसके बाद में सी एस थ्री देखो इसका नाम कैसे दोगे तुम, सिंपल आसान है, सेकंड लास्ट कार्बन को एक सी एस थ्री दो सी एस थ्री ग्रुप अटैच है, तो क्या लोगे नियो, क्या लोगे नियो, क्या लोगे बेटा नियो। उसके बाद में एक दो तीन चार पाँच नियो, पेंटेन है तो क्या पेंटाइल क्लोराइड, ये उसका एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमने नियो के दो एग्जांपल लिए, आज के लिए इतना ही, बस बस, थैंक यू।